Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. All right, ladies and gentlemen, welcome to Saptarishis Astrology. आज बहुत बढ़िया सेशन है पूजा शर्मा जी के साथ. पूजा जी नमस्ते. नमस्ते सर. पूजा जी, आप काफी समय से लाल किताब कर रहे हैं. मेरा ये स्ट्रेट अवे पॉइंट पे क्वेश्चंस रहेगा. लोग डरते हैं लाल किताब रेमेडी से, बहुत डरते हैं. और आज तो हम लोग का हमारा टॉपिक है प्रिकॉशनरी रेमेडी वर्सेस रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी ऑफ लाल किताब. तो मैं, लोग डरते हैं लाल किताब रेमेडी से, उसके बाद में आऊंगा जो आज का मेन मुद्दा है उस पर आ जाऊंगा कि ये क्या है प्रिकॉशनरी रेमेडी और लाल किताब का दूसरा जो रेमेडी है उसमें क्या फर्क है. ये बोलने वाली बात है कि समझने वाली बात. सर, जो लाल किताब पढ़ता है उसे अपने आप ही समझ में आ जाता है. एक्चुअली जो मार्केट में ये छोटी छोटी बुक्स रेमेडीज की मिल रही हैं, वो ही सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. लोग बाग वैदिक पढ़ते हैं और जो है रेमेडीज वो जो है उन बुक्स में से पढ़ के और दे देते हैं. लेकिन लाल किताब की थ्योरी टोटली डिफरेंट है. उसकी दृष्टियां बिल्कुल अलग हैं, उसके हाउसेस का देखने का तरीका अलग है, प्लैनेट का देखने का तरीका अलग है. और अगर हम ये रेमेडीज उसके तरह से करेंगे, मतलब वैदिक कर रहे हैं हम रेमेडीज लाल किताब की करेंगे, तो ये बैकफायर करेगा. तो लाल किताब ये नहीं कहती कि आप रेमेडीज करो, मतलब लाल किताब आपको प्रिकॉशन देती है. मतलब एवरी प्लेनेट का, एवरी हाउस में सब में रिजल्ट्स दिए हुए हैं, वो प्रिकॉशन मेनली बताती है. जैसे सपोज केतु किसी का फर्स्ट हाउस में है, तो ये लोग मेनली डॉग लवर होते हैं, इनके घर में डॉग होता ही है. तो इन लोगों को प्रिकॉशन के लिए हमें ये बोलना है आपको डॉग नहीं रखना है, अदरवाइज आपके फैमिली में प्रॉब्लम्स आएंगी, एलिगेशंस लग सकते हैं. तो हमें इस तरह की प्रिकॉशन पे ही देनी है. ये सर रेमेडी नहीं हुई, ये हुई प्रिकॉशन. रेमेडी ये हुई कि आपने इतने मंत्र जाप करने हैं, इतना दान आपको इधर करना है, रेमेडीज ये हुई. लेकिन ये हमें प्रिकॉशंस रखनी है. सपोज राहु किसी का फोर्थ हाउस में है, तो ये लोग बहुत लेजी होते हैं. मतलब कहते हैं मतलब सुबह उठने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम, हर चीज में प्रॉब्लम, लेजीनेस होती है. तो इसमें उपाय बोल सकते हैं या प्रिकॉशन बोल सकते हैं, यही बोला गया है कि गंगा स्नान करें. अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो इनका डेली नहाना गंगा स्नान के बराबर होगा. तो ये कोई सर रेमेडी नहीं है, ये मेनली प्रिकॉशन है. क्योंकि जो राहु जो है चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा की गोद में है, तो वहां वो रिलैक्स होता है. तो मतलब वो कुछ करना नहीं चाहता, आलस रहता है उसको. तो हम इस हमें ना इसी तरह से समझाना है मेनली किस लिए. मतलब लोग वह क्या है रेमेडी दे देते हैं हमें, वो लोग लॉजिक नहीं बताते हैं. तो जैसे केतु मैंने फर्स्ट हाउस बताया, वो जो फर्स्ट हाउस होता है सूर्य और मंगल का पक्का घर होता है. तो केतु फर्स्ट हाउस मींस जब जैसे ये पर्सन पैदा होता है उसके फादर को काफी गेन होते हैं. तो सूर्य के लिए तो अच्छा है, सूर्य जिस घर में होगा वहां अच्छा रिजल्ट देगा, बट मंगल का दुश्मन है. तो ऐसे पर्सन को हेल्थ इशू. सॉरी मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वो थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया. आप वापस से रिपीट करेंगे? सूर्य अगर केतु अगर लग्न में है तो फादर को इमीडिएट गेन होगा, उसके बाद का हम सुनना. हाँ, तो फादर को गेन होगा और खुद को गेन कब होगा, जब उसके मेल चाइल्ड होगा. मतलब लग्न का जो केतु है आदमी को काफी हाइट पर पहुंचा देता है, लेकिन खुद के लिए तब बेनिफिशियल है जब खुद के उसके मेल चाइल्ड होगा. क्योंकि केतु क्या है, मेल चाइल्ड का कारक है, और वो मंगल के घर में है. तो इट मींस मतलब मंगल और केतु आपस में एनिमी है. तो ऐसे पर्सन को कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ इश्यूज लगे ही रहेंगे. तो उसके लिए मेनली यही बताया गया है केतु क्या है, डॉग है. तो ये लोग जो प्लेनेट हमारा सर वीक होता है ना, हम उसी प्लेनेट की तरफ भागते हैं. तो ऐसे लोग मैंने जैसे बताया कि डॉग को रखने का, मतलब डॉग लवर होते हैं. जैसे मेरे बेटे का भी है सर, तो उसका रहता है कि नहीं मुझे डॉग रखना है.
तो लेकिन डॉग रखोगे तो आपका मतलब हेल्थ इश्यूज और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके घर में बढ़ जाएंगी, तो हमें यही समझाना है मतलब मैं इस पे आपको मुझे याद दिलाना, आफ्टर दिस सेशन मैं आपको इस पे फीडबैक दूंगा, या मे बी इन दिस सेशन केतु इन द फर्स्ट हाउस। मैंने जो आपने बोला 100% करेक्ट है, और मैं अपने आप को कितना रोक रहा हूँ आपको फीडबैक देने से, बट क्विकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि रेमिडी आपकी और मेरी जो विनायक जी के साथ बात हुई थी उससे, कि जी रेमिडी करना नहीं है, प्रिकॉशन लेना है, बस बाकी मेनली हो गया। प्रिकॉशन, ये और सब सब लोग गलती कर प्रिकॉशन रहे हैं, रेमिडी करते हैं। रेमेडी की तरफ, क्योंकि वो सर वो बुक लेके ना आप कर रहे हो केपी एस्ट्रोलॉजी, आप कर रहे हो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, और लेकिन आप क्या है उपाय किसके दे रहे हो, लाल किताब के, क्योंकि आप उस एनर्जी को समझ ही ये नहीं रहे गलती हो से ना। तो मेरा मेरा ये मेरा मैं एक ब्लंट क्वेश्चन पूछता हूँ। हम तो यूट्यूब में, एंड आई रियली डोंट हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी। मेरा मैं थोड़ा ट्रेडिशनल किस्म का आदमी हूँ सोच में, सब चीजों में, तो मेरा ये हमेशा ऐसे रहा, जब तक गुरु के पैरों पे बैठ के आपने कोई विद्या नहीं सीखा हो आमने सामने, तब तक ये मजा नहीं है। इसीलिए जब हमारे सेशंस भी होते हैं, हाय विनायक, विनायक जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। वेलकम वेलकम, वी बीन वेटिंग फॉर यू। मैंने सुना था तुम्हारा कुछ कैटरीना कैफ के साथ फोन कॉल पे चर्चा हो रही थी, इसलिए आपने हमें वेट करवाया, क्या ये सच हाँ सर, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। है? ओके ठीक है। देखिए मेरा प्रेडिक्शन बहुत कही होता है, सिक्स लॉर्ड इन द लग्न है, दैट मीन्स सब पत्नी किसी और के स्त्री के साथ आपका भी फोन कॉल हुआ रहेगा शायद। एनीवे नहीं, अगर वो कैटरीना कैफ नहीं है, अगर आपने बोल दिया है तो मैं कैटरीना कैफ समझ के ही बात करूंगा उससे। नहीं अच्छा ठीक है, बट लड़की है कि लड़का था, कौन था? फीमेल नहीं फीमेल। था ना, तो प्रेडिक्शन तो करेक्ट हुआ ना, आदमी ज्यादा टाइम तो फीमेल के, सिक्स लॉर्ड है तो सब पत्नी, दैट मीन्स फीमेल। एनीवे मंगल है लग्न में, इसके लिए मैंने बोल दिया। ओके, एंड डिस्पोजिटर ऑफ चंद्र है, नीच का चंद्र। तो एनीवे वो जो मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम ये हो रहा है यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी में, लोगों ने सीखा किसी से है, सीखा या तो यूट्यूब से, और फिर अपना यूट्यूब चैनल डाल दिया 6 महीने, बिल्कुल और वो हार्ड वर्क आई डोंट सी। मैं आपको बहुत बोल रहा हूं कि अगर बुध 11वें घर में है, ओके, बोलता है बुध बिगड़ा हुआ है, और देयर इज अ पर्टिकुलर टर्म इन लाल किताब, मैं भूल रहा जी हूँ, हाँ ओके, हाँ तो बोलता है बुध के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स घर में यूज मत करो, ग्रीन एलिमेंट्स यूज मत करो, प्लांट्स यूज मत करो, क्रीपर प्लांट्स जो है, मनी प्लांट यूज मत करो। ओके, एक समय था मेरे घर में 50% खाली मनी प्लांट्स था, कंप्लीटली कवर्ड। ओके, सेकेंड वही लाल किताब के सीनियर आदमी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो यूज करो, इन द सेंस ग्रीन यूज करो, उसको बैलेंस करो, तो ये मैं बेसिकली नहीं बोल रहा हूँ कौन करेक्ट है, ये डिस्कशन बुध ग्यारहवें घर का नहीं है। मेरा डर ये है कि हमेशा मेरा डर ये होता है, हाफ बेक्ड नॉलेज आर द अधूरा ज्ञान विदाउट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। काफी लोगों को हम अनइंटेंशनली हम वो विद्या जस्ट पास ऑन करते हैं, कॉपी पेस्ट एस्ट्रोलॉजी, जो मैं एक टर्म मैंने डेवलप किया है, कॉपी पेस्ट एस्ट्रोलॉजी, जिसके वजह से देर इज पॉसिबिलिटी कि हम दूसरे लोगों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आज इस सेशन में, जो हमारा टाइटल है प्रिकॉशनरी लाल किताब वर्सेस लाल रेमिडियल लाल किताब, तो रेमिडीज करने की आवश्यकता जब तक नहीं बनती है तब तक ना, एम आई ना राइट? करें इसको मैंने कंक्लूजन में कर दिया। जी सर। सर देखिए रेमेडीज उस केस में करी जाती है जैसे पितृ दोष है, तो पितृ दोष का आपको उपाय करना होगा, लेकिन वैसे आपको हर एक प्लेनेट की मतलब प्रिकॉशन ही लेनी है। सर देखिए पहले जो थी जॉइंट फैमिली में सब रहते थे, तो अपने आप ही सारी रेमेडीज सब चीजें हो जाती थी। जैसे अब हम शुक्र की वीनस की क्या रेमेडी देते हैं, गायों को चारा दें, तो अब पहले घर में गाय होती थी, या पक्षियों को दाना डालें, तो ये बुध का उपाय है ज्यादातर, इसी यही बोला जाता है सर, ये बहुत ही अच्छा उपाय है। 45 डेज तक हरी मूंग की दाल अगर पक्षियों को देंगे आपका बुध अच्छा हो जाएगा। लेकिन देखिए ये सब पहले ऑटोमेटिकली सर होती थी, अब जो है न्यूक्लियर फैमिली हो गई है तो अब कोई रेमेडीज हो नहीं पाती है, न्यूक्लियर जो उसमें कंबाइंड नहीं तो फैमिली में इसको रहती। रेमेडी बोले, हाँ ये सॉरी क्या बोला, रेमेडी सर, ये ये रेमेडी है कि रेमेडी ये नहीं, प्रिकॉशनरी है,
ये रेमेडी है कि सर ये रेमेडी नहीं है, ये रेमेडी नहीं है। पक्षियों को खाना दे रहे हैं, जानवर को हम खाना दे रहे हैं, ये रेमेडी नहीं है। ये तो हम अपने कर्माज अच्छे कर रहे हैं ना, सामने वाले का पेट भर रहे हैं जो हमारे घर में है। नहीं, इस पे मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहूंगा, जो मैं लाल किताबी वालों से खुश नहीं हूँ। काफी अगर आप बोलना चाहे तो हमने लाल किताब को प्रमोट किया, हमने सबको प्रमोट किया, हमने केपी के अलावा, केपी में हमें इतना कोई अच्छा मिला नहीं जो सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन कर पाए। एंड केपी टफ है यूट्यूब में एक्सप्लेन करना, अनलेस इट्स वेरी वेरी सिस्टमैटिक विथ विजुअल्स एंड ऑल दैट, यू नो। तो नाड़ी हमने किया, सब कुछ हमने प्रमोट किया है, वेस्टर्न भी किया है। बट लाल किताब का एक चीज है, आर्दा से ज्यादा चीज पे रोक रकावट करवा देते हैं, वेदर प्रिकॉशनरी नाम पे या इसके, इसको खाना मत खिलाओ, इसको नहीं देना, दरगाह में नहीं जाना, इधर घर में मंदिर मत रखो, ये मत करो, जो एंटी हिंदू के कल्चर में पड़ा हुआ है, मींस हमारे जहन में है, राइट विनायक, हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में। अब मुझे तो बोला है कि घर में मंदिर मत रखो, यू नो, मैं तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जैसे सेवेंथ एंड टेंथ का सर जुपिटर है, सेवेंथ हाउस का या टेंथ हाउस का या उन राशियां ले लीजिए, तो उसमें ये कहते हैं पिछले जन्म से ये इतने पूजा पाठ, इतने धार्मिक रहे हैं कि इस जन्म में ये कर्म करने आए हैं। सातवां घर जो होता है पार्टनरशिप का होता है, बिजनेस का होता है, और दसवां घर जो होता है कर्म का होता है। तो ये लोग कर्म की जगह पहले मतलब पूजा पाठ कर लें, ये सब कर लें, इनका एक मोटिव यही रहता है, मतलब कर्म को जो है वो पीछे छोड़ देते हैं, पहले ये पूजा पाठ इसमें लग जाते हैं, तो इसलिए जुपिटर वीक हो जाता है। तो मेनली सर यही बोला गया है कि बड़ा मंदिर रखना है, मतलब जिसमें बड़ी मूर्तियां हो, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। हाँ, एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात बोली, बट उसके ऊपर पहले मैं ऑडियंस के लिए एक सवाल पूछ लूंगा फटाफट। जब आप सात और दस बोल रहे हो तो आप सेवेंथ हाउस टेंथ हाउस बोल रहे हो कि सेवेंथ राशि एंड टेंथ राशि और बोथ कंबाइंड? सब सेवेंथ हाउस मेनली, सबसे पहले हम हाउसेस की, क्योंकि इसमें काल पुरुष की कुंडली बनती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम ये इसमें सीक्रेट है सर, जो ग्रामर में ना हम खाली ओनली हाउस की एनर्जी ही रखते हैं, बाद में जब हमें लाल किताब समझ में आने लगती है तो हम राशि पे भी जाते हैं, क्योंकि ना वो स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाता है, दोनों चीज को क्लब करके चलता है। तो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल काल पुरुष की कुंडली ही देखेंगे, जैसे सेवेंथ हाउस देखेंगे एंड टेंथ हाउस देखेंगे, बाद में दोनों को मर्ज करके हम प्रेडिक्शन देंगे एडवांस कोर्स में। तो अभी जो है हाउसेज ही देखें, जैसे सेवेंथ हाउस जो है बुध और शुक्र का होता है, शुक्र जो है जुपिटर का दुश्मन है, तो ऐसे के केस में जो है उसकी जो गृहस्थ जीवन खराब होता है, वो क्या करता है साधुओं के पीछे जाता है, घर में बड़ा मंदिर रख लेता है, बहुत पूजा पाठ करता है, तो उस केस में उसका गृहस्थ जीवन खराब होता है और उसके घर में मेल चाइल्ड भी नहीं हो पाता है, इसी चक्कर में वो साधुओं के पीछे जा रहा है, मंदिर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है। ऐसे टेंथ हाउस में भी यही बोला गया है, तो मेनली टेंथ हाउस जो है शनि का है, और शनि और गुरु और जहां क्लब होते हैं वहां मंगल वीक हो जाता है, और मंगल क्या है हमारी एनर्जी है, तो हम उस काम को करने में एफर्ट्स ही नहीं दे पाते हैं सर, तो मेनली यही रीजन है। आई कैन गिव यू क्विक फीडबैक, यू 100% राइट, ये बात किसी ने मुझे इससे इतने विस्तार में नहीं पढ़ा था। मेरा जुपिटर नीच का है इन कैप्रिकॉन साइन, इन द 8th हाउस ऑफ साधना। मेरा जो डेली का रूटीन है वो मैं 4 बजे उठता हूँ शार्प ऑटोमेटिकली विदाउट अलार्म, एंड अंडर अनटिल मैं ड्रग्स पे हूँ, मेडिसिन पे हूँ, यू नो, तो स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, और फिर सब पूजा पाठ ये वो सब करते करते 11:30-12 बज जाता है, 12:30 भी हो जाता है, एंड फिर काम करने का ताकत नहीं रहता। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा घर का काम भी सब इन्वॉल्व होता है, यू नो, ये रूटीन में। सर एक चीज बोलूं, एक चीज, जैसे आप कह रहे हो जुपिटर 8th हाउस में है, आपको इंट्यूशंस काफी आते होंगे और वो ज्यादातर सही होते होंगे। हां होता है, वो तो एक्चुअली सर 8th हाउस जुपिटर वाले का कहते हैं पिछले जन्म में कपाल क्रिया नहीं होती है। कपाल क्रिया मतलब अघोरी जो होते हैं ना, जो तंत्र करते हैं वो उसी उससे वो जोड़ते हैं। आप भी पिछले जन्म में यही थे सर, तो कपाल क्रिया का एक और मतलब होता है कपाल क्रिया का, जहां तक मुझे पता है हिंदुइज्म में, वो मरने के बाद जब अंतिम संस्कार किया जाता है ना,
तो एक रिचुअल होता है कि जब पूरी बॉडी जब उसके क्रिमेशन जलने के बाद जो स्केलेटन बसता है, सर हमारा होता है, इसको बोलते हैं कपाल, कपाल बोलते हैं तो जी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है, उसको फोड़ा जाता है, डालते हैं ना तोड़ जो है डंडे, उसको उसको कपाल क्रिया बोलते हैं। जी और जी वो एक कर्म है, वो जरूरी होता है, जरूरी बिना होता है, बिना उसके वो पूरा वो प्रोसेस नहीं होता है, जी जी हो जी सकता है वो कपाल क्रिया इसके लिए बोलते हैं। हाँ, तो एथ हाउस जुपिटर वाले की कपाल क्रिया नहीं होती है, तो इन लोगों हाँ को बहुत इंट्यूशंस आते हैं, और जो इंट्यूशंस आते हैं बिल्कुल ठीक होते हैं, और काफी चीजें इनको जो पिछले जन्म की भी याद होती है। होती हैं, और इस कपाल क्रिया ना होने पर भी इसका आगे के क्या परिणाम है, ये भी हाँ गरुड़ पुराण में या किसी पुराण में मैंने पढ़ा है, वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। जी, कोई भी क्रिया अगर अधूरी रह जाती है तो उसके क्या आगे उसको रिजल्ट मिलते हैं उस पर्सन को, वो सारी डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मैं भी सर ये उसी का रेफरेंस है, और अपनी सारा डिस्कशन सुन के ना मुझे ये लगता है कि लाल किताब रेमेडियल मेजर तो है थर्ड स्टेप इसमें। तो पहले जो है ना कि वो आपकी डे टू डे लाइफ और जो आपका जीवन चल रहा है उसको एक ट्रैक में लाने, करेक्शन करना, ये मेरे को लगता है कि इसमें पहले हमको ये हाँ, जो जीवन जीने का तरीका मतलब बोलते हैं ना, लाल किताब जो है हमें जीना सिखाती है, जीवन जीने का तरीका मतलब मेनली यही सिखाती है, तो हमें इसी इसी पे चलना है सिस्टमेटिक वे में। मैं भी ना किसी भी क्लाइंट को सर नहीं देती हूँ रेमेडीज, वो छोटी मोटी जैसे पक्षियों को दाना डाल दिया, या अपने वेट के बराबर शुक्र का मतलब उपाय कर लिया, चारा गाय को डलवा दिया, आप यही करिए, आपका सारे प्लेनेट ठीक होंगे, और सारे रिश्तेदारों के की आप हेल्प करिए, उनसे रिलेशन अच्छे रखिए, तो अपने आप ही सारे प्लेनेट ठीक होंगे, हमें रेमेडीज की तरफ तो भागना ही नहीं पड़ेगा ना। लॉजिकल है सर, क्योंकि सारा वे ऑफ लाइफ हम पूरा करेक्ट करते हैं, उसके बाद जाके रेमेडीज इसमें आती है, जब वो ऐसी एक्टिविटीज जो आपके वे ऑफ लाइफ से बाहर की चीज है, इनमें कोई ऐसा दोष है जो हम एक्टिविटीज से ठीक नहीं कर सकते, वो वहां शायद वो रेमेडीज का काम आता है, सिस्टमेटिक नहीं। कुछ लोग तो बिना बात के अच्छा खासा प्लेनेट है, इतनी हैवी रेमेडीज की करा देते हैं कि वो आपको यहाँ ये दबा के आना है, ये करना है, आपको प्लेनेट को तो दबाना ही नहीं है ना, आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और एवरी प्लेनेट की जरूरत है, राहु की भी जरूरत है हमें, केतु की भी जरूरत है, हर प्लेनेट की हमें जरूरत है, तो हमें किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करना है प्लेनेट को। ठीक है, विल बी बैक आफ्टर ए ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, विल बी बैक आफ्टर ए ब्रेक वेयर अगेन रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी रेमेडियल लाल किताब एस्ट्रोलॉजी वर्सेस रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होगा, एंड विल बी बैक, थैंक यू।